हेलो गाइज, मैं हूँ मनोज सिंह धामी और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से लोकेशन से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे पत्थर और पूरा ग्रीनरी है और आज मैं आया हूँ ओजरण बीच। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक नए ब्लॉग पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे एंड मेरे ब्लॉग का इंतज़ार तो कर ही रहे होंगे। तो गाइज, आज आप लोग को मैं बहुत ही खूबसूरत सा बीच दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है ओजरण बीच। और अभी गाइज शाम के बज रहे हैं 3 और धूप देख सकते हैं गाइज, पूरा चेहरा काला आ रहा है मेरा, काफ़ी तेज़ धूप है। ये देखिए गाइज, मेरे को जाना है उस तरफ। तो गाइज चलते हैं सीधा, आपको हम सीधा ले चलते हैं ओजरण बीच पे। और व्यू कितना औसम है गाइज, और मेरे पीछे शानदार सा समंदर, और ये देख सकते हैं आप सन। ये है गाइज रास्ता ओजरण बीच जाने का, आप देख सकते हैं कितना डेंजरस है। कुनिया अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। ओके, तो गाइज चलते हैं ओजरण बीच पे। ये भाई लोग बोल रहे कि मजा आ गया ये बीच पे आके। राइट, आप देख सकते हैं सामने नज़ारा कितना बेहतरीन वाला हो रहा है। एंड रास्ता आप देख सकते हैं गाइज कुछ इस प्रकार का है, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा गाइज। क्योंकि बात की जाए तो दोस्तों कितना अद्भुत हो रहा है अभी। तो गाइज बने रहना ब्लॉक पे लास्ट तक, यहाँ पे पूरी काई जमी हुई है, यहाँ पे फिसलने का बहुत ही खतरा रहता है। व्यू देख सकते हैं सामने आप कितना अल्टीमेट, एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का व्यू है गाइज। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, आप देख सकते हैं पूरा पत्थर का बना हुआ है, और नज़ारा तो गाइज दिल छू रहा है मेरा। उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा सामने का नज़ारा, देख सकते हैं आप खूबसूरत है। देखिए गाइज गोवा की मस्ती। देखिए ना यार गाइज क्या गजब का नज़ारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा नारियल ट्री का कितना जबरदस्त वाला व्यू आ रहा है। और यहाँ पे है एक रेस्टोरेंट कैफेला मुसिका, अभी फिलहाल सब बंद है गाइज क्योंकि मानसून का सीजन है। देखिए ना यार गाइज क्या जबरदस्त वाला सीन आ रहा है। उम्मीद है कि आप बड़े चाव से एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे सब बंद है गाइज, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है। और ये देखिए कोकोनट ट्री सिंगल है यहाँ पे एक गाइज, यहाँ पे रास्ता तो ख़त्म होता है हमारा। इधर से हम उतरेंगे नीचे, आप देख सकते हैं। ओके, गाइज क्या ही बोलूं मैं इन नज़ारों के बारे में, आप खुद ही देख लो क्या गजब लग रहे हैं, है ना एक नंबर गाइज। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ही कर लेना गाइज, ताकि आप लोग को जल्दी से मेरा ये ज़बरदस्त वाला ब्लॉग मिल पाए। भाई साहब सीन देखिए ना यार गाइज क्या कहर बरसा रहा है गाइज आज सीन, और ये बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी पूरी तरह से धूप है गाइज,
हो सकता है अभी थोड़ा कुछ देर में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। आजकल शाम को ही बारिश हो रही है और सुबह से पूरा मौसम साफ था। एंड गाइज आप देख ही रहे हैं सीन, कितना बेहतरीन वाला सीन आ रहा है और बिल्कुल शांत है गाइज। यहाँ पे पूरा 100-200 मीटर की दूरी पे एक भी बंदा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अकेला आप लोग के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये कड़ी धूप में। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली बार जब आप लोग गोवा में विजिट करेंगे तो पक्का इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएंगे। एंड गाइस सामने का नज़ारा देखिए, ये जगह देखिए आप, है ना लाजवाब। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है और क्या गजब लग रहे यार। मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाऊँ मैं, पूरा पूरा ब्लॉग ही इस रेस्टोरेंट का बना लो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे से आप जाने के लिए, यहाँ पे आप लोग को ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हैं लकड़ी का ब्रिज है। और भाई साहब नज़ारे देख सकते हैं आप, क्या गजब लग रहे हैं। इसके लिए एक लाइक बनता है गाइज, ऐसे नज़ारे मिलते रहेंगे, बने रहे गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं आप नारे लोग और एक ब्लॉगर भाई यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। और ये तालाब देख के मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कैसे सूख गए ये बारिश में। मुझे लगता है इधर पूरा रेत भर चुका है, इसके लिए ये सूख चुका है। पूरा तालाब को रेत ने घेर लिया है, इसके चलते यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा अभी। देखिए क्या कमल लग रहा है, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है, छोटा स्विमिंग पूल है गाइस ये, आप देख सकते हैं इसके अंदर घुसूंगा मैं। ये देखिए गाइस कितना गहरा है, बहुत ही गर्म। मजा आ गया गाइस, बिल्कुल गर्म पानी हो गया। क्या चीज पत्थर, गजब के पत्थर गाइज आप देख सकते हैं, बर्ड से बने हुए। कितने का है, कितने में एक तरफ 800 लिखा है गाइज। आप बोलना भाई साहब, आपने बनाया ये भाई? हाँ, पेंट भी नहीं जाएगा ऊपर से, मैंने ये भाई साहब ने बनाया गाइज। यहाँ पे कलर भी बना रहे हैं, आपको चाहिए तो गाइज इनसे कांटेक्ट कर लेना। नाम क्या है आपका? ये देखिए और भी है, क्या कमाल के लग रहे हैं। 250 का है गाइस, यूट्यूब 250 रुपए का है ये। तो ये है ओजरन बीच के भाई साहब, आपको यहाँ पे दिखेंगे, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये दिखाइए आप ये वाला, ये एक और अच्छा नहीं आज खराब लाया, वाइट पत्थर पर ये बनाए और ये जाएगा भी नहीं, वाटर प्रूफ है। अच्छा ये मार्बल, मार्बल के ऊपर बनाया है ये। हाथी है देखिए, काफी अच्छी कारीगरी की गई है यहाँ पे, ओम लिखा हुआ है हाथी के ऊपर, बहुत ही अच्छी कारीगरी। ले लो ना आप, ले लो ना, बहुत ही अच्छा। हमारा घर है नहीं इधर, घर होता तो ले लेते, घर जाने तक ये पता नहीं क्या करेंगे हम। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वीडियो बनाते हैं घूम के। हां अच्छा है वीडियो, बहुत मैंने देखा YouTube पर, आप ही बनाते हो सारा वीडियो हमारा ही हो, पार्टी वगैरह। हां हां सच है, और जरन की पार्टी से है गाइस रास्ता। छु 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 छु।
नेक्स्ट लेवल है गाइज नज़ारे। ऐसे नज़ारे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप मुंबई दिल्ली में रहते हो तो। गाइज ये पत्थर बहुत सही से लग रहे हैं मुझे तो, आपको पता नहीं, उम्मीद है आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। देख सकते हैं आप इसमें कुछ अलग ही किस्म का यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, कीड़ों ने बना रखे हैं। सनसेट होने वाला ही है आधे घंटे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी मोटी रस्सी, देखिए पूरी यहाँ तक फैली हुई है। मुझे लगा सांप है गाइज, अचानक से देखा तो इतना बड़ा सांप कहाँ से आया ऐसा मैं सोच रहा था। गाइज अभी ये है शाम का नज़ारा और कौवे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप कौवे का क्राउड यहाँ पे बरकरार है गाइज। ऑलराइट तो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ बागाथोर बीच पे, आप देख सकते हैं क्राउड क्या भर भर के क्राउड है। अभी 3 बजे आया था तो बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा छाया था, अभी आप देख सकते हैं ये ऑफ सीजन में भी इतना सारा क्राउड है, किसी टाइम मुझे यकीन नहीं होता। गाइस अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और नज़ारा देख सकते हैं आप क्या गजब का रहा। और एक भाई मिलते गए मुझे सत्यम ब्लॉग, नज़ारे देखिए गाइस क्या जबरदस्त वाले आ रहे हैं। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको बहुत जल्द और एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तो गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।